अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लिनिकल यूज़ से हमने पढ़ने हैं। क्लिनिकल यूज़ पढ़ने से पहले आपको जो है ना, आप कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को, तो उसके स्पेसिफिक सीज़र का पता होना चाहिए कि उसका वेदर मायोक्रोनिक सीज़र है, जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीज़र है, एब्सेंट सीज़र से, स्टेटस एपिलेप्टिक, कोई भी सीज़र, तो उसका पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप का सीज़र है। उसके बाद आपने ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे। अब ड्रग जो प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें दो टाइप्स की होंगी, एक एडजंक्टिव या बैकअप ड्रग्स होंगी और दूसरी जो स्पेसिफिकली उसी के लिए होंगी। जो एडजंक्टिव ड्रग्स होंगी ना, वो दो तीन मिला के हम देते हैं, और जो ड्रग्स जो फर्स्ट चॉइस होती हैं वो स्पेसिफिकली उसी के लिए दी जाती हैं। ठीक है, अब जनरलाइज टॉनिक में ना निमोनिक्स भी साथ साथ में बताती जाऊंगी। जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीजर्स के लिए हैं वेलप्रोइक एसिड, लैमोट्रिगिन, कार्बामेजिपन और फेनोटाइन। ये जो है ना ड्रग्स जो फर्स्ट चॉइस होती हैं, और फेनोबारबिटल भी होती है। ये जो है ना फेनोबारबिटल जो है ना इन्फेंट्स में इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको, लेकिन इन्फेंट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको आपने याद रखना है वीसी प्लेयर से। ठीक है, वीसी प्लेयर होता है ना एक वो लैपटॉप्स वगैरह में म्यूज़िक के लिए, तो वीसी प्लेयर वेलप्रोइक एसिड, कार्बामाजेपाइन और फेनिटोइन, ये है ड्रग द फर्स्ट चॉइस वीसी प्लेयर, वीसीपी। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना बाकी ड्रग्स जो है ना लैमोट्रिगिन वगैरह, ये एडजंक्टिव है, आप बाकी में भी पढ़ेंगे कि बाकियों में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इसी के लिए नहीं है। इसके बाद जो है ना पार्शियल सीजर्स की बात करें तो इसमें आता है कार्बामाजेपाइन, लैमोट्रिगिन और फेनिटोइन। ठीक है, अब इसमें भी यही है, देखें इसमें है ये कि उसमें भी कार्बामाजेपाइन थी, लैमोट्रिगिन दोनों थी, फेनोटाइन उधर भी थी, इधर भी हैं पार्शियल सीजर्स में। और इसके निमोनिक को अपने याद रखने PCL से, PSL होता है ना, तो उसी लिहाज से PCL, फेनोटाइन, कार्बामाजेपाइन और जो है लैमोट्रिगिन। ठीक है, इसके बाद है एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स में एथोक्सीमाइड है, एथोक्सीमाइड जो है ना पेशेंट यूज़ कर सकता है, लेकिन इसके GIT को ये जो है ना ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तो अगर पेशेंट उन साइड इफ़ेक्ट्स को बर्दाश्त कर जाता है तो फिर ये एथोक्सीमाइड देंगे। अदरवाइज जो वालप्रोइक एसिड है, वालप्रोइक एसिड उन पेशेंट में दी जाती है जिनमें कॉनकॉमिटेंट जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीजर्स हों, जिनमें मायोक्लोनिक सीजर्स भी हों, टॉनिक क्रोनिक सीजर में उनमें वेलप्रोइक एसिड दिया जाता है। इसके बाद क्लोनाजेपाम भी इफेक्टिव है जो है ना, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि सेडेशन कॉज कराते हैं और टॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है इसकी वजह। इसके बाद जो है ना लेबोट्रिगिन और जो है ना ये टायरेसिटाम और जो है ना जोनिसिमाइड, ये भी इफेक्टिव है। तो मेनली हम ये प्रेफर करते हैं कि हम एथोसिक्सिमाइड वेलप्रोइक एसिड दें। ठीक है, ये दोनों ये प्रेफर करते हैं क्योंकि मिनिमल सेडेशन कॉज कराती हैं, लेकिन क्लोनाजेपाम भी दे सकते हैं। मतलब आपने ये दो ड्रग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी इसका निमोनिक से आप निमोनिक इसका ये है VEC से, इसको याद रखना है आपने। VC होता है ना VC, वॉइस चांसलर, तो उससे याद रखना है VEC। ठीक है, वेलप्रोइक एसिड, एथोसिक्सिमाइड और जो ना क्लोनाजेपाम। ठीक है, ये जो ये ड्रग्स हैं ना, ये बाकी सब में भी आ रही हैं तकरीबन, लैबिटारिसिटाम, ये एडजंक्टिव ड्रग्स हैं। इसके बाद मायोक्लोनिक, ये आपको याद लाजमी होनी चाहिए, मायोक्लोनिक एंड एटिपिकल एब्सेंट सिंड्रोम। इसमें जो है ना मेनली वेलप्रोइक एसिड जो है ना प्रेफर की जाती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन एडजंक्टिवली ये ड्रग्स भी दी जाती हैं, लैबिटारसिटम, टोपिरामेट और जोनिसिमाइड वगैरह, एडजंक्टिव या बैकअप ड्रग्स के तौर पर ये भी यूज़ की जाती है। इसके बाद स्टेटस एपिलेप्टिक्स है, अगर हमने शॉर्ट टर्म कंट्रोल करना है स्टेटस एपिलेप्टिक को इसके पेशेंट इन सीजर्स को, तो हम डायजिपाम या लोराजिपाम देते हैं। हमें पता है कि डायजिपाम या लोराजिपाम जो है ना ये शॉर्ट एक्टिंग है, और अगर लॉन्ग एक्टिंग प्रोलॉन्ग्ड हमने उस पेशेंट को ट्रीट करना है तो हम उसको IV फेनिटोइन दे देंगे। ठीक है, ये फेनिटोइन क्या होती है कि जो है लेस सेडेशन कॉज कराती है और ना ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके लिए फेनोबारबिटल जो है ना स्पेशली चिल्ड्रन में जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद अगर क्लिनिकल यूजेस में ये है, ये स्टेटस एपिलेप्टिकस वो एक वी है वेलप्रोइक एसिड, सॉरी वी नहीं, वो तो बल्कि इसका था मायोक्लोनिक सीजर का बस वी था, बाकी सारे तो एडजंक्टिव ड्रग्स हैं, ये वेलप्रोइक एसिड। और जो स्टेटस एपिलेप्टिक्स है इसको आपने याद करना है DP से, DP प्रोफाइल से याद रखना है। ठीक है, D से डायजिपाम और जो है ना P से फेनिटोइन। ठीक है, इसके बाद फेनोबारबिटल भी इसी में आ जाएगा। और इसका ये जो फेनिटोइन होती है ना, इसका ये साइड इफेक्ट होता है कि कार्डियोटॉक्सिसिटी हार्ट में जो है ना प्रॉब्लम्स कॉज कराती है। इसके बाद अदर क्लिनिकल यूजेस में है वेलप्रोइक एसिड जो है ना मैनिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, मैनिया, साइकोसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके बाद जो है ना कार्बामाजेपाइन, लैमोट्रिगिन वगैरह ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। हमने पढ़ा हुआ कि 4th क्रैनियल नर्व का जो है ना न्यूरोलजिया हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। इसमें फेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है और टचिंग से, और इस तरह हमने पढ़ा था पहले।
तो इसके बाद जो है ना ये है गैबापेंटिन प्रीगिबेलिन और जो है ना फेनेटॉइन है। ये जो गैबापेंटिन प्रीगिबेलिन है ये न्यूरोपैथिक पेन कॉज कराती है और जो फेनेटॉइन है ये माइग्रेन कॉज कराती है। अदर क्लिनिकल यूजेस में जो है वेलप्रोइक एसिड जो है मैनिया को ट्रीट करने के लिए यूज जाती है। मैनिया साइकोसिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। कार्बामाजेपाइन और लैमोट्रिगन जो है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिस्ट को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। गैबापेंटिन और प्रीगिबेलिन जो न्यूरोपैथिक पेन को जो फेनेटॉइन और माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, अब जो है ना इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये हैं, एब्सेंस सीजर्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूक्यू। बाकी जो है ना बाकी भी आप याद रख लें, मैंने निमोनिक तो बताए हैं। इसके बाद जो है ना अदर क्लिनिकल यूजेस में तो मतलब ये आसान से ही हैं। देखें इसको आप ना ऐसे CL से याद कर सकते, कार्बामेजमिन लैमेट्रिगिन, लेकिन ना ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया तो मैंने इससे सीट के याद बना दिया। कंट्रोल होता नहीं है जो लैपटॉप में बटन होता है कंट्रोल, तो वैसे याद रखने के कार्बामेजमिन लैमेट्रिगिन ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा रही है। इसके बाद जो है ना ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए गैबापेंटिन और प्रीगिबेलिन ये GP से याद रख लेना आपने, GP होती नहीं है, GPA जो होती है ऐसे जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होते हैं BS वाले। अच्छा, इसके बाद जो है ना N से आपने याद रखना न्यूरोपैथिक पेन, तो GPN जो है ना न्यूरोपैथिक पेन में जो है यूज़ की जा रही है। इसके बाद फेनेटॉइन माइग्रेन में, ठीक है, इसको PM से याद रखना हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इसके बाद टॉक्सिसिटी में है टेराटोजेनिसिटी है, ओवरडोजेज और लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी है। तो टेराटोजेनिसिटी में जो है ना स्पाइना बैफिडा है, ये वेलप्रोइक एसिड की वजह से जो है ना होता है, NTDs वगैरह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वेलप्रोइक एसिड की एक्सेस की वजह से होते हैं। इसके बाद जो है ना क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ कार्बामेजिपाइन की वजह से, फेटल हेडनटॉइन सिंड्रोम फेनेटॉइन की वजह से। अब इसको याद कैसे रखना है आपने, क्रेनियोफेशियल और सी से कार्बामेजिपाइन, ठीक है, और इधर फेटल हेडनटॉइन ये भी फेटल जो है ना एफ से वाली साउंड आ रही है और ये फेनेटॉइन भी एफ वाली साउंड आ रही है। इसके बाद स्वाइना बैफिडा वाला ये वेलप्रोइक एसिड आपने खुद याद रखना है। इसके बाद ओवरडोज टॉक्सिसिटी है, तो ये जो है ना CNS डिप्रेशन और ना रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कराती है, ब्रेन को भी डिप्रेस करती है और जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिप्रेस कर देंगी। और लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी में फेटल हिपाटोटॉक्सिसिटी, अब ये जो ड्रग्स है ना ये अब जाहिर सी बात है लीवर में मेटाबोलाइज हो रही हैं, तो लीवर फेलियर या लीवर इन्फ्लेमेशन वगैरह तो कॉज कराएंगी ना, ठीक है। तो ये हिपाटोटॉक्सिसिटी यंगर देन 2 ईयर्स ऑफ द पीपल में होती है वेलप्रोइक एसिड की वजह से। और लैमोट्रिगिन की वजह से स्किन रैशेज होते हैं, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, ठीक है, और एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस होता है। इसके बाद फेल्बामेट की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट हिपेटिक फेलियर होता है। विद्रॉल में ये है कि जो एंटी एब्सेंस सीजर्स हैं वो मोर इजीली विद्रॉन हो जाती हैं बाकियों की निस्बत। अब मैं ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने मोनिक्स में देखें तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, हमने पढ़ा था कि ज़ोनिसमाइड, फेनेटॉइन, कार्बामेजिपाइन, लैमोट्रिगिन, ठीक है। तो इनमें जो इसका निमोनिक है वो है ज़ोनी फाउंड अप कार लैमोजिन, ज़ोनिसिमाइड फाउंड से जो है ना फेनेटॉइन, इसके बाद कार से कार्बामेजिपाइन, लैमोजिन से लैमोट्रिगिन, ठीक है। इसके बाद है गैबा रिलेटेड टारगेट्स, गैबा रिलेटेड टारगेट्स में बाबर जी टुक वैगन, ठीक है, बेंजोडाइजिपाइन, बारबिट्यूरेट्स जो है ना ये आ जाएंगी, और जो है ना जी से आ जाएगा गैबापेंटिन, और टी से टिगाबिन, और जो है वैगन से वाइगाबेट्रिन, ठीक है, BB बाबा जी टुक वैगन। इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में है सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सी वी जो प्रोफाइल वाले CVE साथ में, तो सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वी से वेलप्रोइक एसिड, ई से एथोसक्सिमाइड। इसके बाद जो है ना पीजी में जो है ना प्रीगिबेलिन और गैबापेंटिन। अदर मैकेनिज्म्स को तो आपने ऐसे याद रख लेना, कोई इतना खास नहीं है इसका, जो है ना हाइपरपोलराइजेशन के जरिए वेलप्रोइक एसिड था, ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फेनोबारबिटल, डोपामेट, टॉपिरामेट, और जो है ना NMDA रिसेप्टर्स को फेल्बामेट ब्लॉक कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट जर्नल एनेस्थेटिक्स पढ़ लेते हैं हम।